नमस्कार, पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल के इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जी हां, आज इस वीडियो में बताने वाले मोदी सरकार के जनता कर्फ्यू के बारे में बात ना मानने पे बड़ा ऐलान। इस ऐलान को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पे। आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम देश के अंदर इसी साल में यानी जनवरी महीने से लेकर लगभग 60% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन सरकार अब पेट्रोल डीजल के दाम को स्थिर रखने वाली है। पेट्रोल डीजल के दाम पे 3 से लेकर 4 रुपए तक वेट बढ़ा दिया गया है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम जो पिछले महीने कुछ दिन पहले सस्ते हुए थे अब आपको फिक्स दाम पे ही मिलेंगे। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पेट्रोल पर 18 रुपए तो डीजल पर 12 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी इसी महीने के अंदर बढ़ाई गई है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो लॉकडाउन के चलते सोमवार को सोने की कीमत के अंदर स्थिरता देखने को मिली। जी हां, बाजार के अंदर सोने के भाव लगभग 40,330 रुपए देखने को मिले। साथ में आपको बता दें कि सोने के भाव बहुत ही जल्द कोरोना वायरस के चलते बहुत जल्द कम हो सकते हैं। लेकिन अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खौफ से कंपनियों के कारखाने बंद हो चुके हैं, इतने दिनों तक नहीं बनेंगे कार और बाइक्स। यार जी आपको बता दें कि मारुति सुजुकी होंडा से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के कारखाने बंद हो चुके हैं, कोई भी प्रोडक्शन अब नहीं होगा। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वायरस से 14,507 मौतें हो चुकी है, 3,26,722 से ज्यादा संक्रमित लोग चीन के अंदर अब भी जो है मौजूद है। आपको बता दें कि चीन के अंदर मौतों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना वायरस पे पुतिन ने बड़ा ही फैसला किया है। जी पुतिन ने ब्रिटेन के अंदर 800 शेर और बाघों को शहरों के अंदर खुला छोड़ दिया है। अब लोग शेर बाघ के डर से घर से निकलना छोड़ रहे हैं, जिसको लेकर कर्फ्यू का पालन हो रहा है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में दाखिल होने वाले सभी हाईवे बंद करने के आदेश जारी हो चुके हैं, लोगों को एक साथ मिलेगा 2 महीने का राशन। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कोरोना का खौफ, सैमसंग, ओप्पो, वीवो भारत में बंद कर रही है प्लांट। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम केजरीवाल को बड़ी चेतावनी दी है कि लॉकडाउन का अगर पालन नहीं किया किसी भी नागरिक पे तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि राशन कार्ड पर आपको मुफ्त खाना देगी बिहार सरकार। जी हां, बिहार के अंदर नीतीश गवर्नमेंट आपको मुफ्त में खाना और पैसा घर पे पहुंचाएगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा कि सत्ता में मजबूती से लौटेंगे वापस, सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पे चर्चा की। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी सरकार के अंदर वापस लौटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि पंजाब में लॉकडाउन के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। जी हां, पंजाब के सीएम ने कहा कि लोग जनता लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है, जिसके बाद यहां पे कर्फ्यू लगाया गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कर्फ्यू, सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि लोग बात ही नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि कांगड़ा पुलिस को बड़ी चेतावनी दी गई है कि कोई बिना कारण के सड़कों पर घूमता पाया गया तो उस पे केस होगा और उस पे पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मारुति सुजुकी का पॉपुलर मॉडल यानी स्विफ्ट डिजायर डीजल मॉडल बहुत ही जल्द कंपनीज का प्रोडक्शन बंद कर रही है, यानी मार्केट के अंदर डीजल की कार स्विफ्ट डिजायर अब नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अगर आप फोन खरीदने के शौकीन हैं, सैमसंग S9 को पसंद करते हैं तो फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपए में ये फोन आपको मिल रहा है। जी हां, ये थी आज की देश भर की बड़ी खबरें। आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज, देश भर की बड़ी खबरें 1 क्लिक पे सबसे पहले मिल पाए।